मनोख विकृत है। ये जीवन सानू दान देच मिले है, अखां सानू दान देच मिलियन उदी देन है, ये दंद ये हाथ पैर। मनोविज्ञानिक कहिंदे ने जिहड़ी चीज मुफत देच मिल जाए मनुख उसकी कोई बहुती कदर नहीं करता, इस जीवन की मनुख नहीं कदर करता, पर इस जीवन देच मेहनत करके जो कुछ मनुख ने इकट्ठा किया है उसकी कदर करता है, क्योंकि वह मेहनत करके किया है तो जीवन ते मुफत देच मिले है। हथां नाल पैरां नाल दिल नाल दिमाग नाल जो इकट्ठा किया है मेहनत करके उदी ते कदर करता है, पर जिसने दिल दिता दिमाग दिता हथ दिते पैर दिते ते मुफत देच मिले ने, इहदी की कीमत चुकाई है, इहदा की मुआवजा दिता है, इहदा की मुल दिता है। मनुख जीवन की कदर नहीं करता, जीवन ने जो मेहनत की है जो मुशक्कत की है और मेहनत मुशक्कत करके जो संग्रह किया है उहदे च हानि हो जाए चोट लग जाए नुकसान हो जाए बड़ा औखा हुंदा है दुखी हुंदा है। एक एक श्वास बड़ा कीमती व्यर्थ जा रहे है व्यर्थ जा रहे है, कदी अफसोस नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल ते प्रश्न किया है, बे पुरखा तू कदी कोई ऐसा कर्म किया है कि करके पछेमान होया हो तू पश्चाताप किया हो, जिंदगी च कोई ऐसी कृत हुई है तेरे को तू करके बहुत पछताया हो तू करके बहुत दुखी होया हो उसका तेनू बहुत अफसोस होया हो। अब सुन के हैरान होवोगे, भाई साहब हाथ जोड़ के कहंदे ने पातशाह ऐसी कृत मैथों रोज हो जाती है बहुत आधे च हो जाती है अधे तो ज्यादा दिन फिर मेरा पश्चाताप अफसोस दे च लंघदा है। भाई साहब भाई नंद लाल एक दफा ते सतगुरु भी हैरान हो गए हैं तेथों ऐसी कोई कृत होंदी है और बहुत आदि चाहती है और तू अफसोस भी करदा है की है ऐसा की है। भाई साहब जी का वाक मैं थोड़े सामने रखा, वाए बरनफ से के बेहुदा गुयस्त अल गयास अज गफलते मां अल गयास। ऐ मेरे पातशाह जेड़ा दम प्रभु दी याद तो बिना लंघ जांदा है उस गुजरे हुए दम दा मैनू अफसोस बड़ा आउंदा है पश्चाताप बड़ा आउंदा है ते मैं किसी कीमत नाल भी उस दम नू लिया नहीं सकदा, वो व्यर्थ चला जांदा है अजाई चला जांदा है। दम ते मुफ्त दे च मिले ने, जीवन ते मुफ्त दे च मिले है, हथ पैर ते मुफ्त दे च मिले ने, पर इना हथां पैरां ने इना दमां ने इस जीवन ने जो मेहनत करके संग्रह किया है मनुख उसकी कदर करता है, उहदे च घाट पै जाए अफसोस हो जाता है। दम रोज घटते जा रहे कोई अफसोस नहीं, छिन छिन औद ब्यात है फूटे घट ज्यों पाने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, करते दी कृत दे विचों मनुख अशरफुल मखलूकात है, लेकिन साहिब कहिंदे ने इह मनुख भी दो हिस्सों दे तकसीम आउंदे ने, चानण पख दे च हनेरे पख दे च। पशु सारा हनेरे पख दे च जी रहे है, पंछी हनेरे पख दे च ने, बनस्पति भी अंधेरे च है भाव अज्ञान दे च है। अज्ञान मानसिक तल दा अंधेरा है अंधकार है। कल जो पौड़ी आपने सरवण की थी मैं थोड़ा जहां दोहरा रहे हैं, असंख मूर्ख अंधकार जीवन अंधकारमयी अंधेरा करीबन करीबन इको जे है। अंधेरे च पशु जी रहे हैं अंधेरे च मनुख जी रहे हैं, मानसिक तल ते दोवें इको कुछ ने कोई फर्क नहीं है। रोशनी च फर्क आंदा है, चानी रात होवेगी
फिर दिन होवेगा, फिर दिन विच भी दोपहर ही होवेगी। प्रभात है, संध्या का समय, फिर निरोल निरपक्ष सूरज है। तो मैं अर्ज करा कोई इस तरह जीवदा जिवें चाननी रात, हल्की हल्की चाननी हो गई है, कुछ समझ पै गई है, कुछ दिसन लग पे है, कोई जीवन की अहमियत का पता चल गया, कुछ गुरु के शब्दों के रस का पता चल गया, कुछ धर्म का थोड़ा बहुत बोध हो गया, पर बहुता नहीं। मिठी हल्की जिया रोशनी, पर किसी की जिंदगी ते प्रभात हो गई है, दिन हो गया है, चानना हो गया है, पर किसी की जिंदगी ते ऐन भरी दोपहरी पूर्ण चानना हो गया है। तो कुछ तो ऐसे बन गए जिवें सूरज परमात्मा ही हो गए, सूरज ही हो गए, परमात्मा वर्गे हो गए। चानने च फर्क है कि जितनी इतने रोशनी है होर की जा सकती है, होर वधाया जा सकता है। अंधेरा इको जिहा है, अंधकार विच पशु जी रहे हैं, अंधकार विच बनस्पति जी रही है, अंधकार विच अगर मनुख जी रहा है तो मानसिक तल ते मनुख ते पशुओं च कोई अंतरा नहीं होगा, कोई अंतरा नहीं होगा। रंग रूप का अंतरा होगा थोड़ा जिहा, रहन सहन का अंतरा होगा, मानसिक तल का कोई अंतरा नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक संस्कृति श्लोक आप फरमान करते ने, उदयान बसनंग संसारंग सनबंदी स्वान स्याल खरे। ए बंदे तेनू पता है तेरे सनबंदी कौन ने, अचेत मनुखां दे सनबंदी कौन ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज साढ़े सनबंदियां दी जानकारी करन दे, ते सनबंधी उसनू कहिंदे ने जिस नाल सनबंध है। ते सनबंध दो तरह दे आउंदे ने, जिस नाल विचार मेल खांदे ने, जिस नाल तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, जिस नाल सोचने मेल खांदी है सनबंध, ते जिस नाल खून मेल खांदा है सनबंध। पशु दी तर्जे जिंदगी नाल बहुत सारे मनुखां दी तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, भावें खून मेल नहीं खांदा, रंग रूप मेल नहीं खांदा, नस्ल मेल नहीं खांदी। साहिब कहिंदे ने, उदयान बसनंग संसारंग सनबंदी स्वान स्याल खरे। ऐ अचेत मनुख, पता है तेरे सनबंदी कौन ने। स्वान कुत्ते, गुस्ताखी माफ, शब्द है संस्कृति श्लोक महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी। ना होंदे बोलते मेरे कोल कहण दी हिम्मत नहीं सी। सनबंधी स्वान स्याल खरे, कौन ने तेरे सनबंधी। कुत्ते स्याल गिद्दड़ खरे खोते, ए सनबंधी ने। ते जे असी कहीए हे गुरु अर्जन देव जी, ते साडी तोहीन है, इत मनुखता की तोहीन है। मनुख अशरफुल मखलूकात, मनुख इस धरती का सरदार। चंगे भले ने साडे सनबंधी, मैं फिर अर्ज करा सनबंधी दो तरह के। एक तो जिन्हां नाल खून मेल खांदा है, वो प्रणालियां तीन ने, नानके दादके सौरे, ये कोई खास नहीं है। एक ओ जिन्हां नाल विचार मेल खांदे ने, सोचनी मेल खांदी है, तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, एक ओ ने सनबंधी। एक नाल मेरा स्वभाव मेल खांदा है, ओ सनबंधी है। एक नाल मेरा खून मेल खांदा है, खून दा रिश्ता है, स्वभाव ते नहीं मिलता, उहदे नाल मेरा स्वभाव ते नहीं मिलता, मेरे विचार ते नहीं मिलते, मेरी सोचनी ते नहीं मिलती, खून मेल खांदा है। नानकियां च होवेगा, दादकियां च होवेगा, सहुरियां च होवेगा, मेल खांदा है।
पर सुभाव मेल नहीं खांदा। ये शरीर दा संबंध, मानसिक संबंध, अंदरूनी संबंध। असली संबंधी वो है जिस नाल मन मेल खांदा है, जिस नाल अंदरूनी दुनिया मेल खांदी है, बस वही संबंधी है, बाकी नहीं है। बाकी सब कम चलाओ ने, बाकी सब ठोस मोटा रिश्ता है। खून का रिश्ता कोई खास नहीं है। मैं शायद आप जी के सामने कई दफा अर्ज की है, खून ते प्रहलाद हरनाकश का एको ही सी, प्यो पुत्र एक दूजे दे जानी वैरी। खून शाहजहां ते औरंगजेब का एको ही सी, औरंगजेब ने अपने प्यो नू जेल च पाया, हरनाकश ने अपने पुत्र नू जेल च पाया। औरंगजेब ने अपने प्यो नू तड़पा के मारिया, हरनाकश अपने बच्चे नू तड़पा रहा। खून का रिश्ता की होंदा? कुछ भी नहीं होंदा। भरा भरा विच तनाजे देखे गए ने, मुकदमेबाजी देखी गई है, लड़ाई झगड़े देखे गए ने, खून खराबे देखे गए ने। औरंगजेब ने अपने तिने भरा कतल किए। खून का रिश्ता की होंदा? कुछ भी नहीं है। खून बाबा पृथ्वी चंद ते गुरु अर्जन देव जी का एको सी। सारी जिंदगी बाबा पृथ्वी चंद गुरु अर्जन देव जी नाल वैर कमांदा रहा। खून का रिश्ता की होंदा? कुछ भी नहीं है। चलो इस संबंध च मैं थानू भाई गुरदास जी का एक सवैया सरवण करा दें। भाई साहब मोर ला देंदे ने इस गल ते। भाई साहब भाई गुरदास जी, नहीं दद सार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भ्राता है। दादकियां दा रिश्ता, पिता पिता दा पिता, दादा दादे दा पिता पर दादा, फिर इसे तरीके नाल पुत्र हो गए, पोतरे हो गए, भतीजे हो गए, चाचे ताए हो गए, सब दादकियां दा रिश्ता गिणिया जांदा है। ये दादकियां दी प्रणाली। नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भ्राता है। ये रिश्ता प्यो तो चलता है दादकियां दा, दूजा रिश्ता मां तो चलता है नानकियां दा। नहीं ननसार माता पर माता ब्रिद माता मामी मामू मासी मौसा बिबद बिखे आता है। भाई साहब भाई गुरदास जी, मां मां दी मां, नानी फिर ओदी मां, परनानी मामे मामिया मासिया इत्यादक। ये जो अनेकां तरह के नानकियां दे रिश्ते कहे जाते हैं, भाई साहब कहते हैं नहीं ननसार माता पर माता ब्रिद माता मामी मामू मासी मौसा बिबद बिखियाता है। नहीं ससुरार पत्नी तो एक रिश्ता चलता है सहुरियां दा, पति तो एक रिश्ता चलता है सहुरियां दा। नहीं ससुरार सास सुसर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। असन बसन धन धाम काहू में ना देखो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। भाई गुरदास जी कहते ने सिख ते गुरु दा जो रिश्ता है, सिख ते सतसंग दा जो रिश्ता है, मैं इस रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान कर दा, सहुरियां दे नानकियां दे दादकियां दे। एक ही होंदे ने, कुछ भी नहीं ना। की होंदा खून दा रिश्ता? सुभाव ते मेल नहीं खांदा। की हो गया खून दा रिश्ता? विचार ते मेल नहीं खांदे, दिल ते कदी नेड़े गया ही नहीं उसदे। कोल भी बैठे हां तां भी दूरी, तां भी दूरी। सुभाव नहीं मेल खांदा, विचार नहीं मेल खांदे। यकीन जानो कई दफा एक घर विच दस मैंबर रह रहे ने, भावें एक घर विच रह रहे ने, कई दफा इंज लगता जिवें दस घरां च रह रहे ने। बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी। सुभाव नहीं मेल खांदे, विचार नहीं मेल खांदे, अंदरूनी दुनिया ते जोड़ नहीं खांदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां ए दो पौड़ियां, एक तबका मनुखां दा ओ जिन्हां दा परमात्मा नाल सुभाव मेल खांदा है। असंख जप असंख भाव चानण पक, ते परमात्मा नाल की खून दा रिश्ता? वो ते निराकार है, उहदा ते कोई आकार नहीं। सारे दा सारा आकार निराकार तो आउंदा है,
तो जब निराकार तो आंदा है तो उहदे कोल की खून ते की खून दा रिश्ता परमात्मा नाल जोड़ोगे। गुरु निराकार की शब्द नाल खून दा रिश्ता जोड़ोगे, परमात्मा नाल की खून दा रिश्ता जोड़ोगे। ये ते सुभाव दा रिश्ता, जिस दिन मनुख दा सुभाव परमात्मा वर्गा हो जांदा है, कहिंदे ने उसे दिन ही परमात्मा बगल गीर होंदा है। कबीर ने शर्त लाई है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरी दा भगत ऐसा चाहिदा जैसा के हरी है, जैसा के हरी स्वरूप जैसा नहीं, जैसा के हरी स्वभाव जैसा। एवड ऊंचा होवे कोहे तिस ऊंचे को जाने, इतना ही ऊंचा कोई होवे जितना ऊंचा स्वभाव परमात्मा दा है। परमात्मा समदृष्ट है, अगर मनुख वितकरिया विच जी रहा है तो परमात्मा नाल कोई संबंध नहीं। परमात्मा प्रेम दा सागर है, अगर मनुख नफरत ते घिरना च जी रहा है कोई परमात्मा वर्गा सुभा नहीं है। देखो परमात्मा दे च दया है और ए दे च कठोर है तो कोई परमात्मा वाला एदे कोल सुभा नहीं है। परमात्मा निर्वैर है, इते वैर विरोध नाल भरे होया है, स्वभाव मेल नहीं खा रहा। सतसंग इस वास्ते, कथा कीर्तन इस वास्ते सुनना है, अमृत वेले उठ के वाहेगुरु वाहेगुरु इस वास्ते जपना है, साडा स्वभाव परमात्मा वर्गा हो जाए। और जिसका स्वभाव परमात्मा वर्गा हो जाता है वह परमात्मा वर्गा ही है। हर का भगत सो हर ही जया, हरी दा भगत हरी जैसा ही है। हरी दा संत हरी जैसा ही है, स्वभाव करके। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बहुते मनुखां दा स्वभाव पशुआं नाल मेल खांदा है, अंधेरे जी रहे ने, परमात्मा ते रोशनी है, चानना है। उदयान बसनंग संसारंग श्लोक संस्कृति मल्ला पंजवा। जिस दिन मैं पातशाह दे श्लोक पढ़े सन, बहुत पुरानी गल, इहदी ग्रामर मैं पढ़ी, व्याकरण मैं पढ़िया बाबा बलवंत सिंह तो, हैरान होया मैं, क्या सतगुर मनुखता की तोहीन नहीं कर रहा है? ये बंदा ते अशरफुल मखलूकात है, मनुख ते धरती का सरदार है, ते सतगुर कह रहे ने इहदे संबंधी कुत्ते ने, गिद्दड़ ने, खोते ने। मेरे सामने फिर उन्होंने 15-20 शब्द रखे गुरु ग्रंथ साहब तो, एक शब्द की गल करदे। कबीर भी इस तरह कहते हैं, भाई गुरदास भी इस तरह कहते हैं, कलगीधर पिता भी इस तरह कहते हैं, फिर कहन लगे रामायण के करता तुलसी भी इस तरह ही कहते हैं। बहुते मनुखां दे संबंधी पशु ने, तो जिन्हां दे संबंधी पशु होणगे वह कित्थे मनुख होणगे, किस तरह उन्होंने मनुख आखोगे? संबंधी पशु ने, पशुआं नाल तालमेल बैठता है, पशुआं नाल संबंध है, स्वरूप करके नहीं स्वभाव करके। स्वभाव करके कुत्ते दा की स्वभाव है? कुत्ते नू कुत्ते नाल ही नफरत है, बाकी जानदारां नाल इतनी नफरत नहीं है। कुत्ते नू कुत्ते नाल नफरत है, बंदे नू बंदे नाल ही नफरत होवे, कूकर स्वभाव है, कुत्ता स्वभाव है, गुस्ताखी माव। जेड़े विचार बंदे नू बंदे तो दूर करते ने, वो विचार बंदे नू रब तो भी दूर करनगे। जिहड़े विचार मनुख नू मनुख दे नेड़े नहीं लिया रहे, वह विचार मनुख नू परमात्मा दे नेड़े भी नहीं लियाणगे। मजहब की दीवार, जात पात की दीवार, मुल्क की दीवार, भाषा की दीवार, इतनिया दीवारां ने बंदे दा बंदे नाल मिलना ही बड़ा औखा है, कठिन होया। फिर संत उसनू कहिंदे ने जो ये सारियां दीवारां गिरा देंदा है, निरपक्ष हो जाता है, समदृष्ट हो जाता है। कुत्ता कुत्ते नू पसंद नहीं करता, हालांकि हैरानगी दी गल है, वह स्वयं कुत्ता है। मनुख नू मनुख ही ना चंगे लगन, मनुख मनुखता दे प्रति घृणा नाल भरिया होवे, क्योंकि जात नहीं मेल खांदी, मजहब मेल नहीं खांदा, मुल्क नहीं मेल खांदा,
भाषा नहीं मेल खाती। कभी बगौर मुताला करके वेखोगे मनुख मनुखां दे तल ते नफरत नाल भरे होया है, मनुख मनुखां दे तल ते घृणा नाल भरे होया है, मनुख मनुखां दे तल ते वैर नाल भरे है, भावे प्रगट करे भावे ना करे। ये कुकर विरती है। उदयान बसनंग संसारन सनबंदी सुवान सियाल गिदड़, हर वक्त डरिया डरिया रहिंदा, हर वक्त भय, हर वक्त चिंता। मैं उस दिन अर्ज की थी सी, ठीक है रागी सिंह पढ़ देने, किसी घर मृतक कोई हो जाए इते होनहार है, पर शब्द पढ़ देने चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए। ते माहौल इस दे अर्थ इंज पैदा होंदे ने भी अनहोनी हो गई है गल, कौन दसे अनहोनी थोड़ी हुई है, होनी हुई है, अनहोनी नहीं हुई। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ना अनहोनी तो होंगी नहीं, फिर चिंता क्यों करना है, जो कुछ भी हो गया ये तो होना है, तो बुढ़ा हो गया तो होना सी, किधरे घाटा पै गया तो पैना ही सी, कोई चोट लगी है लगनी सी, इज्जत मिली है मिलनी सी। जैसे दिन होया है होना ही सी ते होनी है, रात होई है होनी है ते होनी है, अनहोनी थोड़ी है। हुण कोई आखे दिन ते रात विच बदल गया अनहोनी हो गई, अनहोनी नहीं होंदी, नहीं कदी नहीं होंदी। परमात्मा दी दुनिया च कुछ भी अनहोनी नहीं, होनहार होंदा है। जद देखदे आं तुसीं सफर च आउंदे, कदी ट्रेन दे च, कदी प्लेन दे च, कदी बसां च, कदी कारां च, ते मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा इतना सफर ना करया कर। मैं कह इतना सफर ना करिए जिस तरह दी प्रभु ने कृत बनाई है, ते जिस तरह दी सेवा लाई है, उहदे ते मैनू दिन रात सफर करना पैंदा, किधरे लंबे सफर किधरे छोटे। ते मैं कह तुसी बड़ी हमदर्दी नाल कह रहे हो, गल की है, क्योंकि थानू पता नहीं उन्हां दिनां च दो भयंकर ट्रेनां दे हादसे होए सन, एक तमिलनाडु दे च होया सी, एक बंगाल दे च। तमिलनाडु दे च ते पूरी ट्रेन ही दरिया दे च गिर गई सी, सारी दी सारी ट्रेन इंजन समेत, इंजन पटड़ी तो की उतरिया, सारे डब्बे ही दरिया दे च गए, और दरिया बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा ही भयंकर हादसा सी। एक हादसा बंगाल दे च होया। उन्हां दिनां च दो प्लेन हादसे भी बड़े वड्डे हो गए, क्रैश होए, एक अहमदाबाद दे च, एक गुवाहाटी आसाम दे च। ते रब दी नेत उन्हां दिनां दे च बसां भी बहुत टकराईयां, सुते सिद्ध अखबारां दीयां खबरां। मैनूं कहिंदे देखदे नहीं पए, तुसीं ते अखबार पढ़दे हो तुहानूं पता होना है। मैं कहा पता है, तो हुण मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा इतना सफर ना करियो। मैं कहा मित्रा गल सुन, 99% बंदे घर दे च मरदे ने, किधरे 1% मरदे होणगे प्लेन दे, ट्रेन दे च, बसां च, 99% घर दे च मरदे ने। फिर तू मैनूं कहेंगा मस्कीन जी घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर ते बंदा मर जांदा। 90% बंदे चारपाई ते सुतियां ही मर जांदे ने। फिर तू मैनू कहेंगा चारपाई ते नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुतियां सुतियां कई मर जांदे ने। अजे मैं उसनू कुछ होर कहना सी, कहण लगे इन्हां गुणी ज्ञानियां नू कोई अकल दे ही ना, गल चो गल बनांदे ने। मैं कहे अकल तू अपने कोल ही रख, इन्ना भयभीत इतना तू डरिया होया। ते मैं घर तो सीसगंज तक आउंदियां भी आखिर तो आजादपुर तो आउंदा है, सीसगंज साहब तक आउंदा है, और टू व्हीलर ते आना है, स्कूटर ते आना है, मेरे ख्याल तेन भी नहीं आना चाहिए। पर हाथ जोड़ के कहन लगे ना गुणी ज्ञानियां नूं कोई अकल ना देवे। मैं कहा अकल अपने कोल रख। इतने भयभीत लोग,
इतने डरे हैं। हुण कौन दसे मौत होनी है, अनहोनी नहीं है, बुढ़ेपा होना अनहोना नहीं है, पर हर वक्त डरे होया मेरे नाल अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहिंदे अज तक किसे नाल नहीं होई, तेरे नाल की होनी है, होई नहीं, अज तक नहीं होई, होंदी नहीं, कदी नहीं होंदी, किसे नाल नहीं होंदी। तो यह संबंधी अंदर बने होया गिदड़ सुवान सियाल खरे खरे खोता, यह तीजा संबंधी खोता भगत कबीर ने भी गिने ने, तेरे संबंधी बैल ने, पैसे ने, हाथी ने, सप ने, डड्डू ने, कौवे ने, पांच सत शब्दों में भगत कबीर ने ते गिनती कर ली हैरानगी। ऐ ऐ तेरे संबंधी ने, तेरा स्वभाव मेल खांदा है। कौवा कहां कपूर चराए, कौवा कैंके करदा कुरख्त बोलदा है, उदा बोलना चंगा नहीं लगदा। ते जिस बंदे दे बोल दूजे नू चोट पहुंचावन चंगे ना लगन, कबीर कहिंदे ने जरूर यह कौवा है, इनू मनुख कहण की की लोड़ है, सुभाव कौवे नाल मिलदा है। ते कौवा कहां कपूर चराए, कौवे दे मुंह दे च हर वक्त गंदगी आउंदी है, कोई चंगी चीज नहीं आउंदी, कपूर नहीं होवेगा उहदे मुंह दे च, गंदगी होवेगी। ते जिहदियां गल्लां हर वक्त गंदियां, मुंह चो गाल कढ के गाली कर जो है कढ के फिर गल करदा है, कईआं दा सुभाव दो गालियां पहले कढणगे फिर गल करणगे। तो इत्थे कबीर कहिंदे ने इहनू बंदा कहण दी की लोड़ है, ते सुभाव कौवे नाल मिलदा है, इन्नी मुंह च गंध। कौवा कहां कपूर चराए, कह भी सियर को दूध पियाए, ते सप नूं कितना भी तुसीं दूध पिलाओ तो कोई जहर त्याग देंदा है। कितना भी किसे नाल एहसान ते परोपकार करो तो जहर नाल भरिया रवे भरिया रवे। कबीर कहिंदे ने सप है, मनुख नहीं है, सर्प है। लंबे चौड़े शब्द ने इस वक्त इस पासे में ना जावा। खरे खोता, खोता बेवकूफी का चिन्ह मनिया जाता है। बहुत प्राचीन समय तो बार बरदारी का काम इस तो लेंदे सन, बार डाउण का काम। पुराने यात्री बहुत सारे खोतियां ते खचरां ते असवार होके एक थां तो दूसरी थां ते जाना, ते समान लद के एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाना। मैं ते कोई 10-12 साल पहले देखा है ईरान विच गलियां गलियां दे साग सब्जी ते फ्रूट वेचदे ने लोकी खोतियां ते लद के। हाथ विच तराजू होंदा है, बस गली गली 2-3 खोते लदे ने, फल नाल सब्जियां नाल बेची जांदे ने। यह देखे असी बहुत प्राचीन समय तो बार बरदारी दे कम इना तो ले जाते हैं। भारत देश बंगलादेश देश अजे भी इना तो कम ले आ जाता है। महाराज कहिंदे जिहड़े किसे किसे वक्त भार ढोंदे ने ते फिर रात नू आराम करदे ने, ये असली खोते नहीं ने। ठीक है, इन्हों का स्वरूप खोतियां वर्गा है, इन्हों का सुभाव खोतियां वर्गा है, ये अंदरों बारों खोते ने, पर एक होर खोते ने बारों मनुख दिखाई देंदे ने, अंदरों कई खोते अंदर पाल के रखे ने। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्भ करंत। श्लोक 12 तो वधीक असली खोते ने। हर वक्त हंकार दी पंड चुकी हुई है, मैं हां ये पंड चुकी हुई है, इसे थल्ले ही दबे हुए ने, मुआवजा भी कुछ नहीं मिलता, मुफत चुकी फिर दे असली खोते ने। और गजब दी गल, भार दिखाई देंदा होवे महसूस भी नहीं आता, खोते नूं कई दफा ज्यादा बोझ होवे महसूस होंदा थकदा है, पर इते हंकार दी पंड जन्म तो लेके मरण तक चुकी फिरदे हुंदे ने, असली खोते ने। बेशुमार पशुआं नाल मनुख दा स्वभाव मेल खांदा है। महाराज कहिंदे ने बहुते मनुखां दे असली संबंधी पशु ने, मनुख नहीं ने। मनुखता उहनां दे अंदर पैदा ही नहीं हुई जो मनुखां नाल संबंध जोड़न।
मनुखता पैदा होती है जप नाल, वो जप ते है नहीं। जप करदियां करदियां पहले मनुखता जन्म लेंदी है, जप करदियां करदियां मनुखता तो बाद देवतापन पैदा होता है, जप करदियां करदियां देवतियां तो बाद मनुख दे अंदरों परमात्मा प्रगट होता है। असंख जप असंख भाव, तो जे जप ही कोई नहीं तो मनुख तो पशुओं की तरह जीवेगा, अंधेरे जीवेगा। तो मैं अर्ज करा बेशतर पशु ते मनुख एको ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा जिहा रंग रूप जात पात खान पान का फर्क होवेगा, स्वभाव करके एको कुछ। ये जो कुदरत दी विचार धन गुरु नानक देव जी महाराज करते ने, यह नीच ने नीचा दी विचार। फिर आप अखीर देच कुदरत कौन कहा विचार इस पंक्ति नूं तीसरी पौड़ी च नहीं दर्ज करते। नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार। इन्हां नीचा दी विचार करन वाला भी कोई एहो जिया दा ही है, उन्हां दी पंक्ति च आप खड़े हो जाते हैं, उस लाइन दे सतगुर आप खड़े हो जाते हैं। इत्थे तक आपने कल सरवण किया, अज की यह जिहड़ी पौड़ी है कुदरत दा जिक्र करदे आ। साहिब कहिंदे ना असंख नाव असंख थाव, नाम सिर्फ मनुखी दुनिया दे च ने, और यह भी कदर कादर दी एक महान कृत समझ लो कि पहचान ज्ञान नाम दे आसरे ते खड़ा है। जिस चीज दा मैनू नाम नहीं आउंदा उसका ज्ञान देना या किसी को ज्ञान लेना बड़ा औखा है। जैसे मैं थानू इत्थे कहां, मैं एक मित्र नू मिलना है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ते तुसी दसो किस तरह मिलेगा, ते थोड़ा पहला ते प्रश्न यही होवेगा नाम की है, ते मैं आख्या नाम मैनू नहीं आउंदा, की दसोगे मैनू किस तरह दसोगे। मनुख ने बनस्पति दे नाम रखे ने, किसे दरख्त ने अपना नाम नहीं रखिया, मनुखा ने रखे ने। नाम सिर्फ मनुखी दुनिया च ने, जितने अस्थान ने जितनिया वस्तुआं ने जितने चीजा ने, महाराज कहते नाम तो बिना नहीं ने। मनुख ने नाम रखे ने क्योंकि मनुख ने ज्ञान देना है ज्ञान लेना है, ये नाम तो ने। सूरज नु सूरज मनुख ने आख्या, चंद्रमा नु चंद्रमा मनुख ने आख्या। तो मनुख दिया भाषावां बहुत सारिया ने, इस वास्ते एक एक चीज दे कई कई नाम ने। सूरज नु सूरज कहिंदे ने, रवि कहिंदे ने, भान कहिंदे ने, खुर्शीद कहिंदे ने, आफताब कहिंदे ने, सन कहिंदे ने, कोई एक नाम है। वस्तु तो एक है, नाम एक नहीं है, अनेका नाम ने। एक एक फल दे मैं भारत देच एको ही मुलक देच देखे है अनेका नाम। पेरू कहिंदे ने अमरूद नू महाराष्ट्र देच, जामफल कहिंदे ने गुजरात देच, पर यूपी च उन्हूं अमरूद कह देंदे ने, फल एको ही है। हैरान हो जांदा उत्थे पेरू कहिंदे ने, फिर थोड़ा जिहा गुजरात वाले पासे आ जाओ फिर जामफल कहिंदे ने, यूपी मध्य भारत बाकी इलाके च अमरूद कहिंदे ने, फल एको। भाषा दे बदलदे आ, फुलां दे नाम बदलते ने, फलां दे नाम बदलते ने, वस्तुआं दे नाम बदलते ने, सूरज चंद तारियां दे नाम बदलते ने, पर नाम मनुख ने रखे ने। बनस्पति दे नाम, पशुआं दे नाम, पंछियां दे नाम, सूरज चंद तारियां दे नाम, बीमारियां दे नाम, दवाइयां दे नाम, मुल्कां दे नाम, शहरां दे नाम, गलियां दे नाम, पिंडां दे नाम, सब कुछ दे नाम रखण तो बाद मनुख ने फिर मनुखां दे नाम रखे ने, क्योंकि मनुख दी पहचान भी नाम तो बिना नहीं हो सकती। नाम लेके कोई चीज पैदा नहीं होंदी, ते नाम लेके ऐसे भी नहीं पैदा होए, बाद च रखिया जांदा, मनुख दी कृत है। क्योंकि नाम तो बिना पहचान नहीं होंदी, नाम तो बिना ज्ञान लेना देना बड़ा औखा होंदा है। ते जद बंदे ने बंदियां दे नाम रख लै, तो फिर बंदे नूं ख्याल आया इस सारी कुदरत दे ते मैं नाम रख दिते, जो जो सामने आई समझ दे चाही कि कुदरत नूं बनाण वाला जिहड़ा करता है कादर है, उहदा नां ते मैं रखिया नहीं। तो
तो फिर उस दे नाम रखे गए। रमया होया वेख के कह दिता गया राम है, निर्लेप वेख के कह दिता गया कृष्ण है। परमात्मा दे नाम ही बाद विच मनुखां नूं जो है दिते गए ने। आश्चर्य वेख के, बिस्माद वेख के, अंधकार नूं दूर करन वाला देख के, ज्ञान दा सोमा देख के, गुरु नानक दे कंठ तो निकलिया वाहे गुरु, मुहम्मद साहब दे कंठ तो निकलिया अल्लाह हो। बहुत सारे नामां दा जिक्र कलगीधर पिता ने सिर्फ एक ही शब्द च कर दिता है, प्रभु जो तो कै लाज हमारी। हुण अगलियां मैं पंक्तियां पढ़दा जाना है, सब नाम ने। नील कंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आरी, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। एक कोई शब्द दे चितने नाम परमात्मा दे। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। ए प्रभु जितने भी तेरे नाम ने असी सदके जाने हैं, कुर्बान जाने हैं। एक फल दे अगर सौ नाम ने तो कोई झगड़ा नहीं है। कोई गुजराती आके महाराष्ट्रियन नाल नहीं लड़दे, तुसी पेरू क्यों कहंदे हो, जाम फल आखो। तो कोई मराठे यूपी दे आके नहीं लड़दे, तुसी अमरूद क्यों कहंदे हो, पेरू आखो। ये झगड़ा नहीं है। कोई ईरानी आके झगड़ा नहीं करदे, तुसी सूरज क्यों कहंदे हो, भान क्यों कहंदे हो, रवि क्यों कहंदे हो, खुर्शीद आखो। वो झगड़ा नहीं करते क्योंकि ईरानी भाषा ते खुर्शीद है, आफताब है। चंद्रमा नु महताब कहते हैं, महताब चंद्रमा महा महताब। वो झगड़ा नहीं करते, तुसी चंद्रमा क्यों कहते हो, तुसी ससी क्यों कहते हो, संस्कृत दे ससी कहते हैं चंद्रमा नु, इनु महताब आखो। कोई झगड़ा नहीं, मूह ना आखो, कोई झगड़ा नहीं। वस्तुओं के उत्ते झगड़ा नहीं है, एक एक वस्तु के सैकड़े नाम ने। पदार्थों के उत्ते झगड़ा नहीं है, एक एक पदार्थ के सैकड़े नाम ने। कुदरत दे जो ये अनेक नाम मनुख ने रखे ने, अग्नि है, ये धरती है, पौण है, पानी है, तत्तों नाम तो मनुख ने दिते ने, और भाषा के मुताबिक अलग अलग नाम। झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। संस्कृत देच पवन नू अनल कहंदे ने, अनल। हिंदी देच प्राकृत देच फिर पवन कहंदे ने, उर्दू च हवा कह देंदे ने, फारसी देच बाद कह देंदे ने, बाद हवा बाद। जिदे शरीर देच हवा ज्यादा भर जाए कहंदे ने बादी शरीर है। बादी तो मुराद की है, हवा नाल भरिया होया शरीर है, फुल गया दा शरीर बहुत। इन्हों बादी चीजा नहीं खानिया चाहिए, मना कर देन फिर वैद लोग। बाद हवा हुण परशियन दे च बाद कहंदे ने, उर्दू च हवा कहंदे ने, हिंदी च पवन कहंदे ने, संस्कृत दे च अनल कहंदे ने। कोई झगड़ा नहीं है, तुसी अनल क्यों कहंदे हो, पवन आखो, पवन क्यों कहंदे हो, हवा आखो, हवा क्यों कहंदे हो, बाद आखो, कोई झगड़ा नहीं है। पर परमात्मा ते झगड़ा है, राम क्यों कहंदे हो, अल्लाह आखो, अल्लाह क्यों कहंदे हो, राम आखो। बड़ा झगड़ा है, बड़ा झगड़ा है, बड़ा कलेश है। मनुख पदार्थ दे प्रति इतना मूर्ख नहीं जितना परमात्मा दे प्रति मूर्ख है। मनुख संसार दे प्रति इतना अज्ञानी नहीं जितना निरंकार दे प्रति है। ज्ञानी होवेगा थोड़ी जिहा कृत दे प्रति, संसार दे प्रति, निरंकार दे प्रति ते बिल्कुल अज्ञान है। नामां दे झगड़े, विचारां दे झगड़े, धन गुरु नानक देव जी महाराज इस झगड़े नूं खत्म कर देन। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम, असी सदके जाने हैं जितने भी तेरे नाम ने। कोई राम कह रहे हैं ठीक, कोई अल्लाह कह रहे हैं ठीक, कोई मधुसूदन कह रहे हैं ठीक, कोई नारायण कह रहे हैं ठीक। बकायदा सेंसर नामा है गुरु ग्रंथ साहब दे च, जिहदे च हजारां नामां दा जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज करदे ने। भारत विच एक ऋषि होया शेषनाग, शेषनाग सप नहीं सी, चक्कर च ना पैना, एक मनुख दा नां सी, उस ऋषि दा नां सी। उहदे बारे एक कहावत है,
ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਖੁਦ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਢੰਗ ਗੋਰਖ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੋਰਖ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਰਖ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਗਾਣ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਗਾਣ, ਪਰਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਗਾਣ, ਗਾਈ ਜਾਣ, ਇਤਨਾ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਰਸ ਕਰਾਂ ਜੋ 10-15 ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਤਨਾ ਅਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਅੱਜ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਤੋ ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨਾਓ ਅਸੰਖ ਥਾਓ, ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਨਾਓ ਅਸੰਖ ਥਾਓ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਨਾਮ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋਏ, ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸਾ ਹੈ, 100 ਅਰਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।